यदि आपके फोन में इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी उड़ जाता है, आपके फोन का जो MB डेटा होता है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, आप अपने फोन में इतना ज्यादा कुछ चलाते नहीं है, बिना चलाए ही आपके फोन का जो डेटा है वो उड़ जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ सेटिंग बताने वाले हैं। अपने फोन में अगर इन सेटिंग्स को करेंगे तो आपके फोन से 100% आपका जो इंटरनेट डेटा उड़ जाता था वो उड़ना आपके फोन से बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हम आपको कुछ सेटिंग बताने वाले हैं, आपको इन सभी सेटिंग्स को आपको अपने फोन में करना होगा तो आपके फोन से जो इंटरनेट डेटा उड़ जाता था वो उड़ना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए जो पहली सेटिंग आपको करनी है, तो पहली सेटिंग के लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में आपको आना है, और यहाँ पे आने के बाद नीचे तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन या आपके फोन में नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, या अगर यहाँ पे आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपके फोन में यहाँ पे भी ऐप नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है, सिंपली ऊपर आपको सर्च सेटिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐप नोटिफिकेशन यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ऐप नोटिफिकेशन सर्च कर लेना, देखिए कुछ इस तरीके से ऐप नोटिफिकेशन सर्च करेंगे तो आपका ये ऐप नोटिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इस ऐप नोटिफिकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके फोन के जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो सारी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इनका एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन होता है ये देखिए कुछ इस तरीके से चालू रहता है। अब आपको यहाँ पे जिन भी ऐप से ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं बिना काम के, जैसे गूगल क्रोम से फालतू के नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको इसका नोटिफिकेशन बंद कर देना है। यहाँ पे आपको कैलेंडर वगैरह के नोटिफिकेशन आते हैं इनका भी आपको बंद कर देना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जैसे फ्लिपकार्ट हो गए, और यहाँ पे फ्लिपकार्ट का हो गया इसको भी आपका चालू रहता है, इसको भी बंद कर देना है। यहाँ पे गेट ऐप्स वाला नोटिफिकेशन, इसमें फालतू के ऐप्स के अपडेट यहाँ पे आपके फ़ोन में आते रहते हैं, उनका नोटिफिकेशन आता रहता है तो वो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन का जो डेटा होता है वो डेटा यहाँ से लेते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं, और धीरे धीरे करके दिन भर में आपका पूरा डाटा ये खा जाते हैं, तो इनको आपको बंद कर देना है। जिन भी ऐप से आपको लगता है कि इन ऐप में सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं उनका सभी का नोटिफिकेशन यहाँ से आपको बंद कर देना है। नोटिफिकेशन जैसे ही आप बंद कर देंगे तो इनका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आना बंद हो जाएगा, और आपके फ़ोन का जो इंटरनेट डेटा ये खा जा रहे थे वो खाना बंद कर देंगे। इसके बाद अब आपको जो दूसरी सेटिंग करनी है, दूसरी सेटिंग आपको अपने फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन पे करनी है। तो इस तरीके से आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऐप नोट अबाउट फोन पे जाना है। अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपके फ़ोन में MIUI वर्जन के नाम से हो, या अगर MIUI वर्जन के नाम से होगा तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड नंबर करके होगा, तो इसमें आपको 7 बार प्रेस करना है। इस तरीके से 7 बार आपको प्रेस करना है। जब 7 बार प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो डेवलपर ऑप्शन आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे आप आएंगे, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में देखेंगे तो आपका ये डेवलपर ऑप्शन है, ये डेवलपर ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑन मिलेगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे तरफ सबसे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी। आप जब सबसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको डोंट कीप एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन आपके फोन में यहाँ पे बंद रहेगा। देखिए यहाँ पे आपको डोंट कीप एक्टिविटी, यहाँ पे आपको दो सेटिंग करनी है, एक सेटिंग ये करनी है और एक जस्ट बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट वाली करनी है। आपके फोन में दोनों बंद रहेंगे तो आपको सिंपली इसको इस तरीके से चालू करना है। इसको चालू करने से क्या होगा कि कई बार आप अपने फोन में कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे WhatsApp, YouTube देख रहे होते हैं, और देखते देखते उसको आप बंद कर देते हैं, ऊपर से आपने क्लोज कर दिया, क्लोज करके आपने मोबाइल को रख दिया, बैकग्राउंड में वो आपका जो डेटा होता है वो डेटा चलता रहता है, YouTube आपका चलता रहता है या WhatsApp आपका चलता रहता है, और आपके फोन का जो डेटा होता है वो डेटा यहाँ से लेता रहता है। सिंपली आपको इसको डोंट कीप एक्टिविटी, मतलब जैसे ही आपने YouTube देखा, YouTube को आपने क्लोज करके रखा तो आपके फोन से YouTube डेटा लेना बंद कर देगा, आपके फोन का इंटरनेट डेटा नहीं खाएगा। इसके बाद इसके जस्ट नीचे आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट मिलेगी, यहाँ पे आपको क्लिक करके और आप देखेंगे आपके फोन में यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 प्रोसेस 3 प्रोसेस 2 प्रोसेस 1 प्रोसेस इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है नो बैकग्राउंड प्रोसेस। आप जब सेलेक्ट करने गए तो आपके फोन में जो एप्लीकेशन होते हैं वो बैकग्राउंड में चलना बंद हो जाएंगे। जैसे आपने कोई भी एक्टिविटी करते ही आपके फोन से वो जो एप्लीकेशन चालू रह जाते थे, यहाँ पे जैसे इस तरीके से ये यहाँ पे चालू रहते थे, ये अपने आप यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसके बाद अब आपको जो यहाँ पे तीसरी सेटिंग करनी है यहाँ पे आपको ऐप का बैकग्राउंड बंद करना है। तो ऐप का बैकग्राउंड बंद करने के लिए सिंपली यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से आपको अपने फोन की सेटिंग में आपको आना है। बैकग्राउंड आपका ऐप का बैकग्राउंड बंद करने के लिए यहाँ पे आपको ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद मैनेज ऐप में आपको जाना है। मैनेज ऐप में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके फोन के सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। सिंपली जो एप्लीकेशन आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जैसे आप यूट्यूब यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए आप यूट्यूब यूज करते हैं, तो अभी हम यहाँ पे यूट्यूब में जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे यूट्यूब सबसे ज्यादा यूज करते हैं तो इस तरीके से हमको यूट्यूब ओपन कर लेना है। डाटा यूजेज और स्टोरेज मिलेगा, यहाँ पे आपको डाटा यूजेज में जाना है।
और डाटा यूजेस में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये जो बैकग्राउंड वाला ऑप्शन मिला, ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन आपको बंद कर देना है। यहाँ पे आपको सिम वन सिम टू मिलेगी, इसको आपको बंद नहीं करना, सिर्फ बैकग्राउंड वाला डाटा यूज बंद करना है। इसको बंद करने से क्या होगा कि आपके फ़ोन का जो डेटा है वो यूट्यूब लेता रहता था बैकग्राउंड में, वो डेटा लेना बंद कर देगा। अब आपको यहाँ पे जो चौथी सेटिंग करनी है, चौथी सेटिंग भी आपको अपने फ़ोन की इस तरीके से आपको अपने फ़ोन की कनेक्शन एंड शेयरिंग वाले ऑप्शन पे आना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद कनेक्शन एंड शेयरिंग का अगर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपको डाटा यूजेज का ऑप्शन मिलेगा। हमारे फ़ोन में अभी कनेक्शन एंड शेयरिंग वाले में डाटा यूजेज का है, यहाँ पे हम डाटा यूजेज वाले में जाते हैं और यहाँ पे हम जाने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं हमारे फ़ोन में जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट खाते हैं डाटा यूजेज में जाने के बाद। तो सिंपली इसको हमको क्लिक करके और इनका बैकग्राउंड हमको यहाँ पे बंद कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से इसका हमको बैकग्राउंड बंद कर देना है। ये जो हमारे यहाँ से मोबाइल से जो फालतू का डेटा लेते रहते थे, ये फालतू का डेटा लेना बंद कर देंगे, डेटा यहाँ से हमारा यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे फ़ोन का इंटरनेट डेटा बंद हो जाएगा। जितने भी एप्लीकेशन में आपको ऐसा लगता है सभी के यहाँ से आपको बंद कर देना है, तो ये डाटा यूज़ नहीं करेंगे आपके फ़ोन का। अब यहाँ पे आपको जो लास्ट सेटिंग करनी है, लास्ट सेटिंग आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में करनी है। ये सबसे खतरनाक सेटिंग है, सबसे खतरनाक सेटिंग है ये, इसको आपको अपने फ़ोन में करना ही करना है। तो ये आपको इस तरीके से प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे नेटवर्क प्रेफरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो अपडेट ऐप मिलेगा, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका ओवर एनी नेटवर्क रहेगा तो आपको यहाँ पे डोंट ऑटो अपडेट आपको क्लिक करके इसको आपको डन कर देना है, सेव कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा बैक आना है, फिर से आपको प्रोफाइल पे जाना है प्ले स्टोर के ही, और अब आपको यहाँ पे मैनेज ऐप एंड डिवाइस पे आपको जाना है। मैनेज ऐप एंड डिवाइस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपडेट ऑल सी ऑल करके देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको कैंसिल ऑल का लिखा हुआ आएगा। मतलब जब कैंसिल ऑल यहाँ पे लिखा हुआ आता है तो आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन होते हैं वो एप्लीकेशन यहाँ से अपडेट होते रहते हैं, तो यहाँ पे आपको कैंसिल ऑल लिखा हुआ आएगा, आपको कैंसिल ऑल कर देना है। तो आपके फ़ोन से ये जो एप्लीकेशन यहाँ से अपडेट हो रहे थे ऑटोमेटिक, जैसे ही आपके फ़ोन का इंटरनेट चालू होता था या डेटा आप चालू करते थे, ये ऐप अपडेट होना शुरू हो जाते थे और आपका फ़ोन का जो इंटरनेट होता था वो अपने आप खा जाते थे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे अपडेट ऑल लिखा हुआ आना चाहिए। अगर यहाँ पे कैंसिल ऑल लिखा हुआ आ रहा तो आपको इसको क्लिक करके कैंसिल ऑल कर देना है, तो आपका अपडेट ऑल लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपके फ़ोन का इंटरनेट डेटा उड़ना बंद हो। जो लास्ट सेटिंग करनी है अपने फ़ोन में, तो अपने फ़ोन में सबसे ज़्यादा आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग यूट्यूब का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, तो आपको अपना यूट्यूब इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जब आप यहाँ पे जाएंगे तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक आपको डाटा सेविंग का मिलेगा, एक ऑटो प्ले का मिलेगा। आपको यहाँ पे ऑटो प्ले वाला इसको आपको सिस्टम सबसे पहले बंद करना है, इसके बाद डाटा सेविंग वाले पे आपको ऑन करना है, डाटा सेविंग मोड को आपको ऑन कर देना है इस तरीके से। और डाटा सेविंग मोड को ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस में आपको जाना है और यहाँ पे आपको डाटा सेवर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ऊपर में वीडियो क्वालिटी मोबाइल नेटवर्क में भी डाटा सेवर और इसको भी डाटा सेवर, दोनों को आपको यहाँ पे डाटा सेवर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको देखिए मेन मेनू में आपको आना है इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए डाउनलोडेड या डाउनलोड्स का ऑफर मिलेगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देख लेना है कि यहाँ पे आपके कोई भी वीडियो डाउनलोड तो नहीं हो रही है। अगर आप कोई भी वीडियो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ यहाँ पे आपको डाउनलोड यहाँ पे हो रहे हैं, डाउनलोड यहाँ पे दिखता है, देखिए इस तरीके से आपको डाउनलोड दिखता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है इस थ्री डॉट में, और यहाँ पे आपको डिलीट फ्रॉम डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस तरीके से आपको डाउनलोड वाले को डिलीट कर देना है। तो आपका जो डेटा यहाँ पे उड़ रहा था वो डाटा उड़ना बंद हो जाए।